बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का वलाग शुरू करती हूँ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे और हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। और आज की वीडियो में मैं बनाने लगी हूँ प्याज और खीरे का रायता, जो कि बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी होता है और बनाना भी बहुत आसान है। रायता हर किस्म के चावलों के साथ शौक से खाया जाता है, ख़ासतौर पर बिरयानी या पुलाव के साथ तो बहुत मज़े का होता है। रायता बनाने की बहुत सी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन मैं तो आज प्याज़ और खीरे का रायता बनाने लगी हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, खीरे और प्याज का रायता। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल किचन विद विलाव को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। प्याज और खीरे का रायता बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई हैं। इसमें मुझे चाहिए 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 2 अदद सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा पुदीना जिसका मैंने पेस्ट बना लिया, 1 अदद प्याज बड़े साइज़ की बारीक काट ली है और 1 अदद खीरा, 1 कप दही। तो अब बनाना स्टार्ट करती हूँ प्याज और खीरे का रायता। सबसे पहले मैं एक बाउल में दही डाल लूँगी। दही को फेंट लूँगी। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसमें मैं बाकी मसाले डाल लेती हूँ, तमाम मसाले एक साथ डाल लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और अब पुदीने का पेस्ट भी डाल लूँगी। फिर से मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसमें मैं खीरा और प्याज भी डाल लूँगी। अब खीरा और प्याज को भी मिक्स कर लेती हूँ दही में अच्छी तरह। तमाम चीज़ों को दही में मिक्स करने के बाद अब रायता हमारा जो कि तैयार हो गया है, बहुत मज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार रायता तैयार हो गया। मैं इसको डिश आउट कर लूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रायता बहुत मज़े का लग रहा है, जिसे मैंने ऊपर से गार्निश भी कर लिया है सब्ज़ मिर्च और पुदीने के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम वक्त में बन जाता है। आज की वीडियो यहीं तक, अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, लेकिन जाने से पहले हमेशा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल किचन विद विलाव को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। तो मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।